हिंदुस्तान की बात 2021 कोलकाता से आज हम कर रहे हैं। इससे पहले चर्चा हमने की कि टेक्निकल एजुकेशन में कैसे बदलाव किया जा सकता है और साथ ही नई शिक्षा नीति जिस पर जोर दिया जा रहा है, कैसे उसमें और सुझाव काम आ सकते हैं, कैसे उसे हर किसी तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर हमने चर्चा की। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आखिरी पैनल डिस्कशन की ओर बढ़ते हुए, अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर गौरव बेरीवाल जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं स्ट्रेटजी श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जोरदार तालियां मिस्टर गौरव बेरीवाल जी के लिए। और साथ ही मैं अब मंच पर बुलाऊंगी मिस्टर मयंक जलान, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केवेंटर से। जोरदार तालियां मिस्टर मयंक जलान जी के लिए। मिस्टर मेहुल मोहनका जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ टेगा इंडस्ट्रीज। जोरदार तालियां इनके लिए। मैं आग्रह करूंगी महेश रामाकृष्णन जी से कि वो यहां पर आएं, और मोपिया मैम से भी मैं आग्रह करूंगी वो भी मंच पर आएं। और सबसे पहले बुके भेंट किया जाए, स्वागत किया जाए इस कार्यक्रम में आज अपना कीमती वक्त देने के लिए, और इस मंच के माध्यम से आज इनके अनुभव हम देख सकेंगे साझा, आज ये अपने अनुभव करेंगे और निश्चित तौर पर वो प्रेरणा देंगे हम सभी को आगे बढ़ने के लिए, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए। जोरदार तालियां मिस्टर मेहुल मोहनका, मिस्टर गौरव बेरीवाल और साथ ही मिस्टर मयंक जलान के लिए। मोपिया जी, मैं चाहूँगी कि आप इस पैनल डिस्कशन में मेरा साथ दें। और सबसे पहले विषय मैं बता देती हूँ, इस पैनल डिस्कशन का विषय क्या रहने वाला है, प्रोस्पेक्ट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन वेस्ट बंगाल, इस पैनल का डिस्कशन रहेगा। मोपिया जी, मैं पहले मायंग जी को ये पूछना चाहूँगी कि ये लॉकडाउन का, खास करके पैंडेमिक का जो असर, ये तो पूरा देश में, ये तो ग्लोबली इसका एक असर दिखाई दे रहा है, तो क्या इंडस्ट्री, बंगाल का इंडस्ट्री, ये से रिकवर कर पा रहे हैं? सो ऑब्वियसली द पैंडेमिक हैज हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कंट्री फ्रॉम हेल्थ, फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, एंड स्पेशली आई थिंक द MSME इंडस्ट्री एंड द स्मॉलर स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन हिट द हार्डेस्ट. If you ask me honestly, given that a large part of the Bengal economy is agrarian, which is involved in food and agriculture, a large part of the Bengal industry is based on consumption because of the population of Bengal, the rising per capita disposable incomes, the hinterland that we serve from Bengal of almost about 300 million Indians. I think the industry in Bengal, as per my assumption, has been able to recover a lot faster than maybe some other parts which were highly dependent on exports, which were highly dependent on certain specific engineering services. COVID is something that I don't think any one of us expected, or we could not factor it in our business model. But I think post-COVID era is going to be where India will be the strongest. The signs of recovery, the way that the Indian economy is strengthening right now, and even Bengal, we are on a trajectory for something which we could not have imagined. So even if you look back, maybe pre-COVID, 2019 December, and you would have asked me where we'll be in 2025, if I would have told you that at 2025 we'll get to 100, right now my estimate is that we'll not be at 100, we'll be at 140 or 150. That's how aggressive I am in terms of what lies ahead of us as a business community and as Indians. बिल्कुल, क्योंकि आप इसका जिक्र करना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोविड ने बहुत कुछ बदला है, और अब जब चीज़ें फिर से नॉर्मल हो रही हैं उसमें चुनौतियां भी कई सारी हैं। मिस्टर गौरव, मेरा सवाल अब आपसे रहेगा, बंगाल के अगर इंडस्ट्रियल सेटअप की बात की जाए तो TMT और सीमेंट दो सबसे बड़े पिलर हैं जिसे बड़ा पिलर माना जाता है। बंगाल में TMT इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, अगले 5 सालों में आप कहाँ देखते हैं? इंडिया की TMT प्रोडक्शन अर्ली 2000s में वर्ल्ड में नंबर 8 स्पॉट पे थी, आज के दिन पे वो नंबर 2 स्पॉट पे है, बिकॉज वी हैव ग्रोन दैट रैपिडली इन द स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। एंड आगे आते हुए जैसे मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर,
the demand for steel is going to grow exponentially even from where it is today. Our captive steel production is going to be growing at around 8 to 9% over the next fiscal. Our demand is growing at a faster clip. There are a lot of initiatives that are coming in, both at the state and central level. So I am extremely bullish about the prospects of the steel industry in general. And Bengal specifically is very well placed to cater to this demand, because in Bengal, you will see that our locational advantage is very good. There are ores available here, pass make port, Durgapur jaise areas mein already bahut badi industrial setup hai steel ki, dozens of steel mills hai wahan pe. So we are well placed to be able to cater to this boom that we are going to see in the demand in steel. Mehul ji se main puchna chahenge, ek time tha jab Bengal investment friendly nahi hai, aisa ek tag wo lag gaya tha. To kya hum pichle kahi saalon se जो इनिशिएटिव खास करके गवर्नमेंट के ओर से लिया गया है, क्या हम वो टैग को हटाने के लिए कामयाब हो पाया? बंगाल ज़्यादातर एक परसेप्शन से और हर समय झेला है कि यहाँ पर वातावरण ठीक नहीं है, यहाँ पर लेबर इश्यूज़ हैं, यहाँ पर ज़मीन नहीं है. बट मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा है और महसूस किया है, ये एक परसेप्शन बना हुआ है सारी देश में कि बंगाल में हम इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं हैं. और कई गवर्नमेंट्स के ये एक यू नो इनिशिएटिव रहा है टू चेंज दिस. और ये चेंज सबको लाना होगा, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट पे हम नहीं निर्भर कर सकते हैं कि परसेप्शन चेंज करना सिर्फ गवर्नमेंट का काम है. हम सब जो यहाँ बैठे हैं और जितने इन्वेस्टर्स जो बंगाल में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, ये ज़्यादातर हमारे ऊपर है कि हम जब बाहर जाते हैं, हम दूसरे शहरों में जाते हैं, तो ये परसेप्शन हमें चेंज करना होगा. और कई सालों से मैंने ये भी देखा है कि जब लोग कहते हैं कि यहाँ ज़मीन नहीं है और इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबल नहीं है, बट ये गलत है. आज के दिन गवर्नमेंट के पास करीब 10 से 15 हज़ार एकड़ ज़मीन अवेलेबल है डिफरेंट इंडस्ट्रियल पार्क्स में. और कोई भी जो अप्लाई करे, महीने भर या 2 महीने में अलॉटमेंट हो जाता है. तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है, और ये जब आए तो महसूस कर सकते हैं. ये चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिससे कि एक टैग की जब बात आती है तो वो टैग कहीं ना कहीं हट पाएगा, और उम्मीद भी बहुत ज़्यादा लोगों को भी है. गौरव जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, महामारी के दौर का जिक्र किया जाए तो इकोनॉमिक स्लो डाउन पूरे देश ने देखा है, अब उससे आप कैसे उभर पा रहे हैं, उसके लिए आप कैसे काम कर रहे हैं? जब पहला लॉकडाउन लगा था तब ऑब्वियसली we were hit by the pandemic, our first priority was to make sure that everybody's safe. You know, in our sector, we were technically allowed to keep our plants open because we qualified under continuous manufacturing industries. And many of our peers were still running their plants as well. But we shut our plants, we pulled everything back and said, you know, we'll make sure nobody gets exposed right now, everybody's taken care of, so that once we start emerging from it, we aren't drained, but we are energized to go out and do the best that we can in the recovery phase. And we made a lot of good investments during the lockdown, both in the technology that we're employing and in our brand as well. And as a result, once the first wave started receding, humne bahut badhiya pickup dekha, and we actually recovered to pre-pandemic levels or close to that very, very quickly. Phir second wave jab aaya, again, we were hit a little harder than during the first wave. And that's why we doubled down on our efforts even more to make sure that we do the same thing over again, carry forward the learnings from the first wave. And and we are very optimistic about the recovery that we'll experience right now as well. Mayank ji, aap kuch der pehle wo agro industries ke bare mein baat kar rahe the, to agro industries ki aur growth ke liye kya kya kar sakte hain hum? You know, just before I answer that question, I just want to go back to your earlier question to Mehul. And I would like to reiterate a few data points that probably a lot of people are not aware or have not heard of. Last 5 saalon mein, India's nominal GDP growth has been 9.8%.
West Bengal's nominal growth has been at 12.36%. That's approximately 5 saalon mein, West Bengal has grown 30% faster than the rest of India. We have 45 research universities. Our literacy rate is second only to Kerala. Our installed power capacity is 11,000 megawatt. There is no power shortage here. As Mehul said, there's no land shortage here. Now coming to agro and food processing. West Bengal is the only state jahan pe 6 agro-climatic zones hai. Agar aap Darjeeling se Sundarban tak jaye, to aisa practically koi fal aur sabji nahi hai jo Bengal mein nahi grow ho sakta. Bengal ka land mass India ka 3% hai. Par food of all India, hum 8% grow karte hain. 8% of all of India's food is grown on a land mass of 3%. Vegetables, hum 30 million ton produce karte hain. Hamare chasi bhai log ke saath. And that is equal to almost 20% of all India's vegetable growth. You look at water, look at power, look at human resource, look at land. Everything is here. We, on top of that, what do we have? Is within an 8 to 12 hour truck delivery time, we have a population of almost 125 million consumers. In the last 10 years, the average growth of food processing industry in the state of West Bengal has been higher than 24%. And I'm talking about 10 years. I'm talking about 10 years CAGR, not 1 saal. So if something is happening for 10 years, then you know that there is no fluke for 1 year. What people need to realize that if they want to be where the tide is flowing, if they want to be in a place where growth is coming naturally, it is the state of West Bengal. And these are again factual data which is visible on any government website. So these are not data that I am telling you because I am practically a Bengali. You know, I have been born and brought up in this state. So I'll obviously love my state. But these are data points which investors need to be aware of. This is what Bengal has achieved if you talk about over the past few years. Mr. Gaurav, aapse mera sawal rahega. Kyunki jis daur mein abhi bhi hum hain, तो ऐसे में एम्प्लॉयज जो तमाम काम कर रहे हैं उनका मोराल बनाए रखना एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनकी नौकरियां गई वो बेरोजगार हुए बहुत सारे ऐसे भी रहे जिनके परिवार में भी हमने कई सारी समस्याएं देखी आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखें इसके लिए आप क्या करते हैं टू कीप एम्प्लॉयज मोराल अप वी एज आई सेड यू नो वी ऑलवेज हैड एन एम्प्लॉय फर्स्ट पॉलिसी तो कुछ भी होता है वी नीड टू मेक श्योर दैट देयर नीड्स आर टेकन केयर ऑफ जब सेकेंड वेव आया था तब वी वर रियली बैडली हिट द नीड ऑफ द आर वॉज गेटिंग द राइट मेडिकल अटेंशन एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम और वो अर्बन एरियाज में भी बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच ऑफ डॉक्टर्स वो एक कंसर्न था रूरल एरियाज में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था सो यू नो टाइम्स के हिसाब से यू हैव टू कम अप विद सर्टेन इनिशिएटिव्स दैट कैन हेल्प नॉट जस्ट your employees but the community at large so we created a panel of doctors that gave 24/7 free consultation to not just our employees but our entire channel and all our partners we launched shows like the Flexi Strong talk show where the aim was to provide people with inspiration to deal with the challenge of the times and also to give them tactical guidance on what everybody can do in their day-to-day lives to enrich their lives इस तरह से हमने और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे जब भी लगता था कि वी नीड टू फाइंड सम वे ऑफ नॉट लेटिंग आवर स्पिरिट्स ब्रेक वी वुड कम अप विद समथिंग न्यू सो फॉर एग्जांपल व्हेन थिंग्स गॉट वेरी ग्रिम वी लॉन्च्ड अनदर इनिशिएटिव कॉल्ड फैमिली फेस्ट वेयर वी इन्वाइटेड एवरीबडी टू कनेक्ट विद ईच अदर ऑन जूम एटसेट्रा एंड वी डिड अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स फ्रेंडली कॉम्पिटिशन्स लाइक singing, dancing, painting competitions, which are judged by local celebrities, and we handed out prizes to people. The objective was simply to say that, you know what, we're in this together. While the world might feel like it's on fire, but
we're gonna make it through this. And yeah, that's about it. At every point of time, be upfront with your people and find ways of connecting with them. That's all you need to do. लविना, यू विल एग्री विथ मी कि हमारे ये इस सेशन का खास बात यह है कि हमारे साथ बंगाल इंडस्ट्रीज का 3 यूथ आइकॉन्स मौजूद है. तो मेहुल जी से हम पूछना चाहेंगे, बहुत सारे यंग पीपल हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं लेकिन इतना वो कॉन्फिडेंस उसमें नहीं है और नहीं श्योर नहीं है कि वो बन पाएगी कि नहीं, तो वो 9 to 5 जॉब ऑप्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ दैट. सो व्हाट विल बी योर सजेशन टुवर्ड्स देम? Entrepreneur or entrepreneurship is a big word, you know, which often the youth get taken away with. But isme bahut kuch ingredients hai jo logo ko samajhna hoga. Sabse pehle, for example, ek entrepreneur aur ek professional mein ek jo sabse bada difference hai ki ek risk lena chahta hai aur dusra risk averse hota hai. So agar koi wo security se nikalna chahe ki 9 to 5 job mein matlab mujhe itna mehne ka milne wala hai rupya guaranteed, wo ek security hai jo log nahi chhodna chahte. Aur jab entrepreneur bante ho to matlab jitni niji punji hai, savings hai zindagi bhar ki, wo sare daav pe laga dena padta hai. To wo ek risk hai. Aur kafi log jo maine dekha hai jo jitne youth ke sath maine interact kiya hai, wo ek tarike se jhijakte hain ye bada decision lene se. और मैं सबको यही बोलता हूँ कि अगर एज आपके साइड पे है और आपके तरफ है, अगर आप 30s या 40s में हो, तो ये एक एक्सपेरिमेंट आप अपने आप कर सकते हो. अगर कोई 50s 60s एज ब्रैकेट में हो तो वहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और महत्व रखता है. पर अगर आप यंग हो, और आज अगर पूरे देश में देखें तो कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वो रिस्क लिए हैं और कितने आगे बढ़ गए, जैसे डिजिटल वर्ल्ड में हो या बाकी जितने कंपनीज हैं उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत तरक्की की है. क्योंकि जब प्रॉब्ली मयंक और हम घुसे थे अपने बिजनेस में तो एक बैंक से एक लोन लेना भी बहुत डिफ़िकल्ट काम होता था. बट आज के दिन इतना लिक्विडिटी है, इतने अपॉर्चुनिटीज़ है, प्राइवेट इक्विटी है, द मीन्स ऑफ फंडिंग बिजनेसेस इज सो वास्ट. और इसका एडवांटेज हर यूथ को लेना चाहिए अगर उसमें वो शक्ति हो रिस्क लेने की, क्योंकि रिस्क छोड़ के और कुछ है नहीं. मैं समझता हूँ कि सब में वो काबिलियत है, सब में वो एबिलिटी है, बट अपने आप को चैलेंज करके आगे बढ़ना वो सब में नहीं होता, और वही है जो सबको देखना पड़ेगा. बिल्कुल. और ये मंत्र जो आपने दिया, वो बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो इस वक्त में कोरोना महामारी के दौर में निश्चित तौर पर उनकी हेल्प कर पाएगा. मिस्टर गौरव, आपसे मेरा सवाल है, क्या जो दौर हमने देखा महामारी का, उसने उस दौर ने, उस संकट ने आपके ग्रोथ प्लान्स पर क्या ब्रेक लगाया? एकदम भी नहीं. कोई भी चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी भी होता है. अगर आप देखें तो लास्ट 1 ईयर में नए बिलियनर्स जो बने हैं इंडिया में, वो उसके पहले वाले साल से ज़्यादा थे. कोविड के कारण जो भी हुआ, स्लोडाउन हुआ, उसके बाद जो रिकवरी आने वाला है, जैसा कि इन्होंने भी कहा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है. मुझे भी लगता है कि हम 100 से अगर 80 पे आए थे तो अब 120-140 पे जाएंगे. And that's why we are not only to, even in our businesses, we are looking to expand capacity both through greenfield and brownfield routes. We are looking to spend hundreds of crores in capacity expansion. We are launching new products in the market. We already have a fintech in the pipeline. We are looking to enter new industries. I think it's an incredibly exciting time to be a part of India's growth journey, because fundamentally, India is where the growth is. And within India, again, as my panelists have said, Bengal has outperformed the rest of the states significantly, and it's not a fluke. So it's an exciting time to be in the market, and there's a lot of growth to be taken, to be partaken. यानी कि कम बैक अब बहुत शानदार होने वाला है, और ऐसी उम्मीद भी की भी जा रही है, और ऐसा हो भी. बहुत शुक्रिया आपका इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए. एक बार ज़ोरदार तालियां, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे रहे होंगे जिनके लिए आज ये जो डिस्कशन हमने किया वो बहुत खास होगा. इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड, अ सोसाइटी फॉर म्यूजिक एंड इट्स क्रिएटर्स. प्ले म्यूजिक एंड पे फॉर म्यूजिक. Respect copyright, encourage creativity.
Visit us at www.iprs.org. एक बार फिर से जोरदार तालियां. आज आप इस चर्चा का हिस्सा बने. मैं आग्रह करूंगी जी हिंदुस्तान के मैनेजिंग एडिटर शमशेर सर से कि वो यहां पर आए और मोमेंटो भेंट किया जाए मिस्टर गौरव को, मिस्टर मयंक को और साथ ही मिस्टर मेहुल मोहन का. आप इस चर्चा का आज हिस्सा बने. जी हिंदुस्तान तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. हिंदुस्तान की बात आज हम कोलकाता से कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण पैनल ये इसीलिए रहा क्योंकि कोविड महामारी का हमने जिक्र किया और उसके बाद हमें कैसे उससे उभरना है उसके लिए अनुभव आज इन्होंने अपने साझा किए. और हमें पूरा यकीन है कि जो तमाम यंगस्टर्स, जो यूथ हमारा इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहा है, उनके लिए ये सेशन निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा. बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. मैं आग्रह करूंगी महेश जी, प्लीज आप मंच पर आइए क्योंकि अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं. प्लीज मैम अभी आइए, मंच पर आइए. तपोजीत जी आप भी प्लीज मंच पर आइए. प्लीज सर मंच पर आइए एक ग्रुप फोटो के लिए क्योंकि चार पैनल डिस्कशन आज हमारे मुख्य तौर पर रहे और तमाम ऐसी बातें रही, ऐसी चीज़ें रही. अगर पश्चिम बंगाल के विकास की बात की जाए तो ये आज हिंदुस्तान की बात कोलकाता से हमने की और ये कार्यक्रम हमेशा के लिए खास होने वाला है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और जो धैर्य आपने रखा क्योंकि लंबा कार्यक्रम रहा. बहुत सारे अलग अलग मसलों पर चर्चा की गई और जो सुविधाएं पश्चिम बंगाल के लिए हैं, क्या सुधार की ज़रूरत है, उस पर हमने बात की. अब मैं आग्रह करूंगी महेश रामकृष्णन जी से कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए यहाँ पर आएँ. वो ऑडियंस जिसने इस कार्यक्रम को देखा, यहाँ पर जो तमाम स्पॉन्सर्स हमारे रहे, उन सभी का जी हिंदुस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा किया जाए. Hello. Wow, we really had an enriching and insightful session. Feeling enriched hearing to the industry captains from Eastern India. A big thank you to Mr. Harsh Niyotia, Dr. Subarna Bose, Mr. Tarun Bhattacharya, Dr. Shoykot Moitro, Padma Shri Professor Dr. Ajay Ray, Mr. Maulendu Shah, Mr. Gaurav Beriwal, Mr. Mayank Jalan, and Mr. Mehul Mohanka. I would also want to thank our sponsors, IHM, GIS Group, Shyam Steel, Dr. B.C. Roy Engineering College and Institutions, Alliance Broadband and Badyanath. Thank you so much.